वृंदावन कोतवाली की अद्दा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बीती रात में शराब पीने के दौरान पड़ोस के दो लोगों के बीच हुई कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। एक पक्ष की महिला ने झगड़ा शांत कराने के लिए अपने पति को कमरे में बंद कर दिया। महिला का आरोप है कि इस दौरान झगड़ा कर रहे टीटू ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वहीं पति के कमरे से बाहर आने पर टीटू ने अपने साथी जब्बू के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और चार पहिया वाहन से तोड़फोड़ की। वहीं बीच बचाव करने आए वृद्ध ससुर पर भी आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने घायल वृद्ध को उपचार के लिए अस्पताल भेजकर महिला की तहरीर पर टीटू और जब्बू के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग भी बच गई है तो आग में भी जख्म है। चोट वैसे ये क्या विवाद हुआ है वृद्ध का? विवाद हुआ ये दारू पी इन लोगों ने प्रेम में आपस में फिर उनमें झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में ये अंदर घर में घुस गए। घुसने के बाद में उसकी पत्नी ने उसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद में बाहर से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में फिर उसने टीकू ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कोशिश करने के बाद में फिर झगड़ा नहीं शांत हुआ। फिर उसने किवाड़ खोलिया, फिर इनमें झगड़ा हुआ कर रहा करके। इतना जोर से झगड़ा हुआ कि चीख पुकार सुनी, जोर से हुई। उसके बाद में कमरे में टीवी देख रहा था, उससे निकल के मैं आया तो मैंने कोशिश की निकालने के लिए। जब्बू ने आकर के डंडा दिया मेरे। फिर उसके बाद में चले जाते हैं, फिर अपने इकट्ठे होकर के फिर लेकर के आए डंडा फंडा रोड फोड जो भी लाए वो लेके आए। आते ही उन्होंने पहले तो दो डंडे गाड़ी में मारे अगले शीशे में। फिर उसके बाद में बाबा का नंबर लिया, डंडा मारा सर ये मुझे मालूम नहीं, मगर एक डंडा मेरे हाथ में लगा जब बाबा हालत से गिर गया था और एरोस हो गया था जब ये भागे वहाँ से। चोट किन कितने लोगों की? तो चोट ये बाबा की है जो भी है।